हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे साइन एक्स, कोसेक्स और टेन एक्स की ग्राफ, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स की ग्राफ। ग्राफ का जो इसमें पोटेंशियल है ये बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि जब अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे या फंक्शन चैप्टर आएगा उसमें भी ये ग्राफ काम आएंगे अपने। और जैसे अपन टेंजेंट और नॉर्मल का जब चैप्टर पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ जो है एक मल्टी फंक्शनल चीज है, तो आप थोड़ा ध्यान देकर इसको समझें। तो इसमें क्या होता है, ग्राफ में पहले अपने को एक टेबल बनानी होती है डोमेन और रेंज की, और फिर डोमेन और रेंज से कोऑर्डिनेट लेके बनता है ग्राफ। तो देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी टेबल। तो यहां मैंने देखिए, इसमें टेबल में होता क्या है, इसमें दो टेबल अपने को बनानी होती हैं। एक तो ये मैंने बना ली, सपोज दैट ये आपकी हो गई यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, यहां मैंने रोटेशन कैसा लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, पॉजिटिव रोटेशन है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पोजिशन रहेगी। फर्स्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि अपने को कहां से कहां तक जाना है, जीरो से 90, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, वन। तो आप देखेंगे ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से वन तक। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि 90 से जो पोजीशन रहती है वो 180 की रहती है, तो साइन 90 की वैल्यू वन होती है, और ये साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां ग्राफ वन से जीरो की तरफ आ रहा है ना, यानी डिक्रीज हो रहा है। चलिए थर्ड में, थर्ड में आप जानते हैं कि 180 से 270 की पोजीशन होती है, तो साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, और साइन 270 की वैल्यू माइनस वन होती है। तो यहाँ जीरो से माइनस वन हो रहा है, यानी ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है। और फोर्थ में आप जानते हैं कि ये आपका 270 से 360 चलता है, तो साइन 270 की वैल्यू क्या है, माइनस वन, और साइन 360 की वैल्यू जीरो। तो यहां पर आपका माइनस वन से क्या आएगा, जीरो। ठीक है, यहां पर ये पोजीशन है। अब ये टेबल तो क्या है, ये टेबल है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज से क्या होगा, ग्राफ बनेगा किधर की साइड, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड। लेकिन जब हम एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर आएंगे तब इसी ग्राफ की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। तो पहले अपन देख लेते हैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड का ग्राफ। तो यहां मैंने ये ग्राफ ले लिया है, ये पूरा यहां तक दिखाई दे रहा है, सब दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। तो ये है अपनी एक्सिस एक्स और एक्स डैश। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि साइन की जो रेंज होती है वो माइनस वन से वन तक होती है, यानी साइन का जो ग्राफ है वो इसी रेंज में चलेगा। चलिए, और ये मैंने बना लिया आपका 0, 90, 180, 270 और ये आपका 360। ठीक है, वैल्यू आप इसी हिसाब से लेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं साइन में फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 पे क्या जा रहा है, 0 से 1। तो 0 से 1 का मतलब है साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की 1। तो यहां पर ये ग्राफ किस तरह से जाएगा, इस तरह से, ये 0 से 1, और ये कवर हुआ इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, 1 से कहां आ रहा है, 0, तो 1 से 0, 1 तो ये रहा आपका, और 0 आपका ये रहा। ठीक है ना, तो यहां हो गया सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट है अपना 180 से 270, तो ये ग्राफ किधर रन कर रहा है, 0 से -1, तो -1 इसकी रेंज का है, नीचे है, यानी ये इस तरह से यहां पर है। तो चलिए ये मैंने बना दिया यहां पर साइन 270 यानी -1। और फोर्थ क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं 270 से 360, तो -1 से किधर जाएंगे, 0 की तरफ, तो ये फोर्थ में आप -1 से चले गए 0 पर, है ना। और ये हो गई इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1, और ये हो गई इसकी लोएस्ट वैल्यू -1। ये जो लाइंस है इनको कहते हैं टर्मिनल लाइंस, टर्मिनल लाइंस। टर्मिनल लाइंस का मतलब होता है सीमांत रेखाएं। तो सीमांत रेखा का काम क्या होता है, इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनको शो करना। एक्सट्रीम का मतलब है हाईएस्ट एंड लोएस्ट, क्लियर।
चलिए अब अपन इधर का ग्राफ देखते हैं, उसके लिए टेबल में थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, अभी तो हमने देखी थी एंटी क्लॉकवाइज टेबल, अब मैं इस टेबल को कर दूंगा कैसे क्लॉकवाइज। अब आप जानते हो जब भी कोई एंगल क्लॉकवाइज घूमता है तो वहां नेगेटिव एंगल आते हैं, है ना। तो नेगेटिव यहाँ पर जैसे कि 0 से -90, -90 से -180, -180 से -270 एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं। अब जैसा कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0, और माइनस साइन -90 की -1। तो यहाँ पर यानी आपको कहां से कहां तक जाना है, 0 से -1। चलिए सेकंड में क्या है, -90 से -180। अब साइन -90 की वैल्यू होती है -1 और साइन -180 की होती है 0, ठीक है। तो ये आपका जाएगा -1 से 0। थर्ड में क्या है, साइन 180 की 0 और साइन 270 की वैल्यू, क्योंकि -1 होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो ये आपका हो जाएगा 0 से +1, क्लियर। फोर्थ में -270 से है तो साइन -270 की वैल्यू +1 होती है और 360 की 0। तो इस तरह से अब आपको यहां पर आना है। और अब हम चलेंगे एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, तो ये आपका 0, यहां -90, ये -180, -270 एंड एट लास्ट -360, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले टेबल में आप देख रहे हो 0 से कहां आना है, -1। तो आप 0 पर खड़े हुए और ये आप पहुंच गए कहां, -1 पर, क्लियर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, -1 से 0, तो -1 से आपको पहुंचना है 0 पर, ये आपका -1 से 0। थर्ड में आप पहुंचेंगे 0 से 1, तो ये आप 0 पर है, यहां पर 0 से ये आपका हो गया यहां पर 1 के सामने आ गया। फोर्थ में आपको पहुंचना 1 से 0, तो ये 1 पर है आप और ये 1 से आपका आ गया 0 और ये हो गई आपकी टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन का काम क्या है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू को दिखाना। तो ये है आपका साइन एक्स का ग्राफ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कई चीजें हमको सीखने को मिली। एक तो साइन में जो 180 के मल्टीपल होते हैं जितने भी, जैसे साइन एन पाई है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि 180 के जितने भी मल्टीपल है 1 पाई 2 पाई, इन पे आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस को काट रहा है ना। और साइन में जो मैक्सिमम रेंज है साइन एक्स की, वो आपकी 1 है और लोएस्ट रेंज जो है वो आपकी -1 है। तो ये दो पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं कि साइन में पाई का कोई भी मल्टीपल हो तो 0 होता है और साइन एक्स की जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो -1 से +1 है, क्लियर। आगे चलेंगे, देखते हैं कॉस एक्स ग्राफ को। कॉस एक्स ग्राफ में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें थोड़ा सा इजी है, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन पे जो साइन चेंज होता है वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉस ऑफ -θ प्लस कॉस थीटा होता है। इसलिए आप जब क्लॉकवाइज टेबल में जाएंगे तो उससे रोटेशन चेंज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसमें अपने को एक ही टेबल से दोनों ओर का ग्राफ बनाना है, तो कैसे एक बार देखते। तो आप सभी जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी पहले क्वाड्रेंट में आपको चलना है 1 से 0। आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो इसमें डिक्रीज हो रहा है 0 से -1। 180 से 270 अगर करें तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है जबकि कॉस 270 की 0। अब कॉस 270 की 0 कैसे है, क्योंकि ये 90 का ऑड मल्टीपल है, जितने भी 90 के विषम गुणज होते हैं जैसे 90, 270, 450 या और भी कोई, ये सभी कॉस में क्या रहेंगे, 0। तो इसमें क्या होगा, -1 से 0 इंक्रीज होगा और 270 से 360 इसमें क्या है आपका, वही 0 से +1, ठीक है ना। तो कैसे कैसे चलना अपने को, 1 से 0 यानी इसमें ये आपका डिक्रीज हो रहा है 1 से 0, 0 से -1 ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है और -1 से 0 यहां इंक्रीज हो रहा है और 0 से 1 इंक्रीज, यानी दो क्वाड्रेंट्स में डिक्रीज है और दो क्वाड्रेंट्स में इंक्रीज है ना। चलिए तो अब चलते हैं सीधे ग्राफ की तरफ। तो ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया आपका एक्स और एक्स डैश, और जैसा कि आप जानते हैं साइन की तरह इसकी रेंज भी -1 से +1 होती है और ये आपका 0, 90, 180, 270 और ये 360, यही सिमिलर पैटर्न इधर रहेगा, ये आपका -90,
ये आपका माइनस 180, ये माइनस 270 एंड इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, ये माइनस 360, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं ग्राफ। तो यहां पर सबसे पहले क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, 1 से 0, पहला क्वाड्रेंट का मतलब मेरा इससे है ना, तो 1 से 0 का मतलब यहां से ग्राफ ये आएगा 1 से 0, डिक्रीज हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हो 0 से -1, तो यहां फिर से डिक्रीज होके ये 0 से -1, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0, तो -1 से ये आपका गया 0 में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में गया आपका 0 से +1। अब यहां जो टर्मिनल लाइन है वो कौन कौन सी रहेंगी, एक तो ये हो जाएगी आपकी और एक ये हो जाएगी, ये दिखा रही है हाईएस्ट वैल्यू को और ये दिखा रही है आपकी लोएस्ट वैल्यू। चलिए इधर देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था टेबल कॉस में यही रहनी है, इसी टेबल से आपको इधर बनाना है। कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से, तो क्या 1 से 0, अब जैसा कि यहां अपन देख रहे राइट टू लेफ्ट, यानी जो एरो है वो लेफ्ट है इधर की ओर है, तो जैसे ही एरो राइट टू लेफ्ट होगा इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ डिक्रीज होना है ना, तो यहाँ अपन क्या करेंगे 1 से 0, ये आपका हो गया पहला क्वाड्रेंट, ठीक। फिर क्या है 0 से -1, तो 0 से -1 आपका इधर नीचे आएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे -1 के सामने, और थर्ड पे -1 से 0, तो ये आपने -1 से 0 तक ले गए आप, और लास्ट में 0 से 1, तो ये आप ले गए 0 से 1, और ये इस तरह से अपना हो गया ये एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इस तरह ये हुआ कॉस का ग्राफ। कॉस में यहां पर देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई, एक तो मैंने आपको बताया कि कॉस में जो 90 के ऑड मल्टीपल है वो क्या होंगे 0, या 2n+1 किसको दिखाता है, ऑड नंबर विषम संख्या को। और कॉस में ये भी ध्यान देने की बात है कि अगर मान लो कॉस में कोई पाई का अगर इवन मल्टीपल है, जैसे अगर एन इवन नंबर है जैसे 2π था तो इसकी वैल्यू +1 होती है, और अगर एन ऑड नंबर है तो इसकी -1, जैसे मैं आपसे कहूं कि कॉस 3π तो इसकी वैल्यू -1 होगी, और मैं कहूं कॉस 4π तो होगी +1। और 90 का जो ऑड मल्टीपल है, ऑड यानी विषम गुणज है, तो वो कॉस में क्या होगा 0। और साइन की तरह इसकी भी रेंज वही है, कॉस एक्स की लोएस्ट रेंज -1 और अपर रेंज +1, क्लियर। टेन एक्स के ग्राफ की तरफ चलेंगे हम। टेन एक्स के लिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज टेबल बना दी है। एंटी क्लॉकवाइज टेबल में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे 10 0 की वैल्यू क्या है 0, 10 90 की इंफिनिटी, 10 90 की इंफिनिटी और 10 180 की 0, 10 180 की 0, 10 270 की इंफिनिटी, 10 270 की इंफिनिटी, 10 360 की 0। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे मैंने दो क्वाड्रेंट में तो प्लस इंफिनिटी लिया है और दो क्वाड्रेंट में माइनस लिया है, वो इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 10 सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहां पर सेकंड और फोर्थ में मैंने क्या लिया है माइनस, है ना। और यहां पर ये ध्यान रहे कि 90 के जितने भी विषम गुणज हैं, यानी जो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, वो सभी क्या होंगे इंफिनिटी, ठीक। तो यहां पर इसीलिए 90 और 270 इन पर मैंने क्या बना लिया है टर्मिनल लाइन। ये टर्मिनल लाइन अपने को क्या दिखाती है कि टर्मिनल लाइन अपने को बताती है कि ये इनफाइनाइट वैल्यू है, कोई भी ग्राफ इसको क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। तो कैसे देखते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90, ये आपका गया 0 से इंफिनिटी, क्लियर, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप आएंगे -∞ से 0, कहां है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये आप आ गए -∞ से 0। थर्ड में आप आएंगे 0 से +∞, ये आपने ले लिया 0 से +∞, क्लियर। फोर्थ में आप आएंगे -∞ से 0, तो ये आपका हो गया -∞ से 0, क्लियर। तो इस तरह हमने देखा चारों जो है इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये आपका 0 से इंफिनिटी, ये आपका -∞ से 0, ये आपका 0 से इंफिनिटी और ये आपका -∞ से 0, क्लियर। अब चलते हैं इधर की साइड, तो चलिए अब हम चलते हैं क्लॉकवाइज टेबल में। क्लॉकवाइज टेबल में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आपको साइन चेंज करने हैं, और वो साइन आपको क्यों चेंज करने हैं उसका देखिए रीजन क्या होता है। जैसे कि मान लो ये आपका ग्राफ है ना, अब जैसे जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में चलते हैं तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है,
ये आपका थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ये किसके हिसाब से बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं अपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज में जब आते हैं तो क्लॉकवाइज में आप देखेंगे जब मैं इसको क्लॉकवाइज लूंगा तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ। यहां पर थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। तो अब आप देखेंगे इस क्वाड्रेंट में 10 पहले क्या था? नेगेटिव। और इस क्वाड्रेंट में 10 क्या था? पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव था और इसमें पॉजिटिव। तो जब आप क्लॉकवाइज आएंगे तो वहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखना कि फर्स्ट में क्या है? नेगेटिव, तो ये आपका माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। और सेकंड में क्या है? पॉजिटिव, ये आपका प्लस इंफिनिटी हो गया, यहाँ प्लस इंफिनिटी। थर्ड में क्या है? नेगेटिव, तो ये आपका जीरो से माइनस इंफिनिटी हो गया। फोर्थ में पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस इंफिनिटी। अब आप देख रहे हैं कि चारों में ही जो है डिक्रीज हो रहा है। जीरो से माइनस इंफिनिटी, डिक्रीज के लिए एरो इधर बनेगा। प्लस इंफिनिटी से जीरो, ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है। जीरो से माइनस इंफिनिटी, ये भी डिक्रीज हो रहा है। और प्लस इंफिनिटी से जीरो, ये भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो यहां थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है। तो यहां हमने देखा कि पहले चारों में जहां इंक्रीजमेंट हो रहा था, अब की बार चारों में क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट हो रहा है। चलिए सीधे चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले क्या है? जीरो से माइनस इंफिनिटी, तो जीरो आपका ही है ना। और जीरो से माइनस इंफिनिटी, ये आप ले गए इधर इसको, तो ये आपका डिक्रीज हो गया। दूसरे में प्लस इंफिनिटी से जीरो, ये आप सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस इंफिनिटी से आपने बना दिया जीरो। थर्ड क्वाड्रेंट में जीरो से माइनस इंफिनिटी, ये आपने जीरो से ले लिया माइनस इंफिनिटी। क्लियर? और फोर्थ में इंफिनिटी से जीरो, तो फोर्थ में आप इंफिनिटी से आ जाएंगे किस पर? जीरो पर। क्लियर? तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां भी डिक्रीज हो रहा है, यहां भी डिक्रीज हो रहा है, यहां भी और यहां भी। तो ये था स्टूडेंट साइन, कॉस और टेन का ग्राफ। तो इसका आप वेरियस टॉपिक्स में यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पार्ट नंबर 12 में देखा कि साइन, कॉस और टेन के ग्राफ थे, इस पार्ट में हम देखेंगे कोटेक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स के ग्राफ, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि ये ग्राफ क्या है कि मल्टी फंक्शनल ऑब्जेक्ट है, कई टॉपिक्स में ये काम आते हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ, फंक्शन हुआ, या आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी जब हम ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेचर में, तो वहां भी ये काम आएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें। और सबसे ज्यादा इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, कौन से में डिक्रीज हो रहा है, और अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। कई बार जो है एयरफोर्स के एग्जाम में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, उनमें क्या है पूछ लिया जाता है कि जैसे 10x है, तो उन्होंने कहा 10x भाई अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो कहां से कहां तक बढ़ेगा। उसमें ऑप्शन दिए होते हैं कि भाई जीरो से इंफिनिटी तक डिक्रीज होगा या जीरो से इंफिनिटी तक इंक्रीज होगा, इस तरह के ऑप्शन रहते हैं। तो अगर आपके माइंड में उस समय ग्राफ होगा तो आप ग्राफ ड्रॉ करके उसको तुरंत देख लेंगे, वरना अगर आप रटने जाएंगे तो अगर 6 ग्राफ के अंदर हम देखें तो करीब 50 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। लेकिन इन 50 क्वेश्चन को अपने को रटना नहीं है, बल्कि ग्राफ जो है अगर आपने बनाना सीख लिया तो ग्राफ आपको इस बात के लिए अकेला ही सफिशियंट है कि इन 50 क्वेश्चन को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ग्राफ ड्रॉ करते ही सबके आंसर दे देंगे। तो चलते हैं सीधे कोटेक्स के ग्राफ की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि कोटेक्स जो होता है माइनस को नहीं खाता, तो इसमें ये 10 वाला जो अपन पैटर्न है वही फॉलो करेंगे। तो एक बार आप दोबारा देखें, तो जब हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो आप देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो आप देखेंगे जब एंटी क्लॉकवाइज अपन आते हैं तो कोट फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फर्स्ट में वो सॉरी फोर्थ में नेगेटिव। लेकिन जब आप क्लॉकवाइज आएंगे तब ये रोटेशन चेंज हो जाएगा, अपन उसकी बात बाद में करेंगे। चलिए पहले टेबल देखते हैं। तो ये टेबल मैंने लिया किसके अकॉर्डिंग? ये टेबल अपन ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो चलिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि कॉट में पाई के जितने भी मल्टीपल हैं, चाहे वो इवन हुए चाहे ऑड हुए, उन सब की वैल्यू होती है इंफिनिटी, ठीक है। तो कॉट जीरो की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। और जो कॉट 90 होता है उसकी वैल्यू आप जानते ही है, कॉट 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो ये आपका इंफिनिटी से जीरो क्या हो रहा है? डिक्रीज, है ना,
डिक्रीज में एरो किधर आएगा, राइट टू लेफ्ट। चलिए 90 से 180 में क्या करना है आपको, चलना है यहां पर कॉट 90 की वैल्यू जीरो और कॉट 180 की आपकी इंफिनिटी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि कॉट नेगेटिव होता है तो यहां क्या आएगा माइनस, तो ये जीरो से माइनस इंफिनिटी हुआ, तो जीरो से माइनस इंफिनिटी क्या हो रहा है, ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है ना। यहां पर देखते हैं थर्ड में आप जानते हो कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए यहां कहीं नेगेटिव आना नहीं है, तो कॉट 180 की वैल्यू आपकी इंफिनिटी और कॉट 270 की वैल्यू आपकी जीरो, तो इंफिनिटी से जीरो यानी फिर से एक बार डिक्रीज। चलिए 270 से 360, तो कॉट 270 की वैल्यू आप जानते हैं ये होती है आपकी जीरो और कॉट 360 की इंफिनिटी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आ जाएगा और जीरो से माइनस इंफिनिटी एक बार फिर से डिक्रीज। तो आप देख सकते हैं कि चारों ग्राफ जो है वो किसमें आ रहे हैं, डिक्रीज में आ रहे हैं। अब चलेंगे अपन टेबल में, तो जहां पर अपन देख रहे हैं जो पाई का मल्टीपल है वो हमें इंफिनिटी की ओर ले जा रहा है, तो इसकी जो टर्मिनल लाइन है वो हमारी कहां पर बनेगी, जहां भी पाई का मल्टीपल आएगा जैसे पाई, टू पाई या माइनस पाई या आपका ये माइनस टू पाई, क्लियर है ना। चलिए टेन में जबकि ये कहां पर बनी थी, पाई बाई टू पर बनी थी, तो सबसे पहले यहां हम देख रहे हैं इंफिनिटी से जीरो, तो ये आपका होगा कॉट जीरो की वैल्यू इंफिनिटी होती है, ये आपका है माइनस इंफिनिटी, तो यहां आपका इंफिनिटी से कहां पर आप आ गए जीरो पर। सेकंड में जीरो से माइनस इंफिनिटी, ये आप चले गए जीरो से माइनस इंफिनिटी, क्लियर। थर्ड में आप चले गए इंफिनिटी से जीरो और फोर्थ में आप चले गए जीरो से माइनस इंफिनिटी, और आप चारों ग्राफ में देख सकते हैं कि जो है ग्राफ वो हो रहा है डिक्रीज, चारों में ग्राफ क्या हो रहा है डिक्रीज, है ना, एक बिल्कुल ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप इसको लर्न भी कर सकते हो। चलिए अब अपन चलते हैं इधर की साइड, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप इस पैटर्न को देखिए, यहां पर क्या है जब मैं क्लॉकवाइज आऊंगा, क्लॉकवाइज रोटेशन में आऊंगा, तो जो पहले फोर्थ क्वाड्रेंट था वो बन चुका है फर्स्ट और इसमें है कॉट नेगेटिव, तो यहां पर जो प्लस इंफिनिटी था वो हो गया नेगेटिव और जहां नेगेटिव था वो हो गया पॉजिटिव, तो ये पूरे साइन चेंज हो गए, और जो अभी चारों में डिक्रीज हो रहा था अब की बार वो चारों होंगे इंक्रीज, ठीक है ना, तो अब की बार वो चारों क्या हो गए इंक्रीज। चलिए अब सीधे चलते हैं ग्राफ की तरफ, तो सबसे पहले में क्या है माइनस इंफिनिटी से जीरो, तो माइनस इंफिनिटी कहां है, यहां है आपका, और जीरो एक्स एक्सिस पे मिलेगा, तो ये आपका हो गया माइनस इंफिनिटी से जीरो। सेकंड में जीरो से इंफिनिटी, तो ये आपका जीरो है और ये आपका हो गया इंफिनिटी, तो ये आपका जीरो से इंफिनिटी, क्लियर। थर्ड में माइनस इंफिनिटी से जीरो, तो माइनस इंफिनिटी आपका ये है और ये आपका हो गया जीरो। फोर्थ में आप देख सकते हो जीरो से इंफिनिटी, तो ये आपका हो गया जीरो से इंफिनिटी, क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि चारों में ये ग्राफ हो रहा है आपका इंक्रीज, क्लियर। तो ये था आपका कोटेक्स का ग्राफ, आगे चलेंगे सेक एक्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने है सेक एक्स की टेबल, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस की तरह सेक भी माइनस को खा जाता है, इसलिए जब आप इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दोनों टेबल की बजाय अब की बार टेबल बनेगी सिर्फ एक, है ना, और जो पैटर्न इधर होगा वही इधर होगा। अब आप सोच रहे होगे यहां मैंने ये क्या बनाया है, सेप के बारे में आप सभी जानते हैं कि सेप जो होता है वो किसी भी रियल वैल्यू को अपनी रेंज में देता है लेकिन माइनस वन और वन के बीच में रन नहीं करता, तो ये यहाँ पर टर्मिनल लाइन्स हैं इसकी, तो ये क्या है कि सेप जो है वो इसके बीच में कभी भी नहीं आएगा, है ना। चलिए और जैसा कि आप जानते हो कि सेप जो है वो कॉस की तरह यहां भी जो है कॉस तो होता है 90 के ऑड मल्टीपल पर जीरो और सेक 90 के ऑड मल्टीपल पर होता है इंफिनिटी, ठीक। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पाई बाई टू पर और थ्री पाई बाई टू पर और माइनस पाई बाई टू पर और माइनस थ्री पाई बाई टू पर, इन पर सेक की आएंगी आपकी टर्मिनल लाइंस, है ना।
तो ये आपका पूरा टर्मिनल लाइंस का ग्राफ है। यहां ये ध्यान रहे कि कोई भी ग्राफ इन टर्मिनल लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए टर्मिनल लाइन पहले ड्रॉ कर ली जाती है जिससे कि अपन गलती से भी उसको क्रॉस नहीं करें। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेग पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव, सेकंड में ये दोनों नेगेटिव, और थर्ड में फिर से दोनों नेगेटिव, ये माइनस वन से माइनस इंफिनिटी, और फोर्थ में फिर से पॉजिटिव यानी इंफिनिटी से वन। तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में सेग इंक्रीजिंग है और थर्ड और फोर्थ में डिक्रीजिंग है। देखिए यहां पर कई बार क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कि जैसे आपसे पूछेगा कि सेक एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अब वो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं कि यहां से यहां तक बढ़ता है, यहां से यहां तक घटता है, तो इस टेबल से आप उन आंसर को दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब सीधे चलेंगे ग्राफ पर। तो यहां पर वन से इंफिनिटी, तो सेक जीरो की वैल्यू ये आपकी वन है, तो ये आपने देखा कि ये हो गया वन से इंफिनिटी। क्लियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, ये माइनस इंफिनिटी है और ये आप आ गए कहां पर, माइनस वन पर। थर्ड में माइनस वन से आप चले जाएंगे वापस माइनस इंफिनिटी पर, फोर्थ में आप चले जाएंगे इंफिनिटी से वन। क्लियर, तो इंफिनिटी से आप चले जाएंगे वन पर यानी ये सेक 360 पर। तो इस तरह से ये पिक्चर हुई आपकी। इधर यहां सेक मैंने बताया था माइनस को खा जाता है, तो टेबल में आपको कोई चेंज करना नहीं है, इसी से ग्राफ आगे ड्रॉ करना है। कैसे, ध्यान से देखना। तो ये वन से इंफिनिटी, तो वन से इंफिनिटी, और सेकंड में माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, तो माइनस इंफिनिटी से ये आप आ गए माइनस वन पर। क्लियर, थर्ड में माइनस वन से माइनस इंफिनिटी, ये माइनस वन से आप चले गए माइनस इंफिनिटी तक, और यहां पर आप इंफिनिटी से वन, तो इंफिनिटी से वन आप ये आ गए यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें। क्लियर, तो ये था इंटरेस्टिंग ग्राफ हमारा किसका, सेक एक्स का। आगे चलेंगे कोसेक एक्स की तरफ। तो कोसेक एक्स के ग्राफ में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टेबल अलग अलग बनेगी। हर बार की तरह हम पहले चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज पर। आप इस चार्ट को एक बार ध्यान दें, एंटी क्लॉकवाइज में मैंने जो नंबरिंग है वो अंदर की तरफ लिखी हुई है। जैसे कि आप जानते हो कि कोसेक फर्स्ट में और जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें होता है पॉजिटिव, कोसेक जो है फर्स्ट और सेकंड में आपका पॉजिटिव होता है, और थर्ड और फोर्थ में ये आपका होता है नेगेटिव। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर ये ध्यान रखना, कोसेक एक्स और एंटी क्लॉकवाइज टेबल है, तो ये फर्स्ट में क्या रहेगा, पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, और इन दोनों में नेगेटिव। क्लियर, हर बार की तरह मैंने माइनस वन और वन पे टर्मिनल लाइन बना दी है, क्योंकि सेक की तरह कुसेक भी माइनस वन और वन के बीच में रन नहीं करता। ठीक, और जैसा कि आप जानते हो कि कुसेक जो एन पाई की वैल्यू है वो होती है इन्फिनिटी, तो यहां पर जो टर्मिनल लाइन है वो पाई के मल्टीपल पर बनेगी, जैसे पाई पे, टू पाई पे, माइनस पाई और माइनस टू पाई। क्लियर है, तो चलते हैं कुसेक एक्स की टेबल पर। तो आप जानते हो कुसेक जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और कुसेक 90 की वन, तो यहाँ इन्फिनिटी से वन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब कुसेक 90 की वैल्यू वन होती है, कुसेक 180 की इन्फिनिटी, और ये वन से इन्फिनिटी यानी इंक्रीज हो रहा है, और कुसेक 180 की वैल्यू इन्फिनिटी और कुसेक 270 की वन। और क्योंकि यहां देखिए इसमें आप जब एंटी क्लॉकवाइज में आप आओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, तो ये दोनों माइनस के हो रहे हैं, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यानी क्लियर आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है। चलिए फोर्थ में, फोर्थ में आप देखते हो कि कुसेक 270 की माइनस वन है और कुसेक 360 की माइनस इंफिनिटी, और ये फोर्थ में नेगेटिव है तो मैंने भी नेगेटिव लिया है। माइनस वन से माइनस इंफिनिटी में आप जानते ही हो कि ये हो रहा है डिक्रीज। चलिए अब सीधे चलेंगे ग्राफ की तरफ। तो यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हो इंफिनिटी से वन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये है, इसमें आपको आना है इंफिनिटी से वन, तो इंफिनिटी से वन ये आपका हो गया डिक्रीज। अब सेकंड क्वाड्रेंट में वन से इंफिनिटी इंक्रीज होगा, ये आपने वन से इंफिनिटी इंक्रीज कर दिया। थर्ड में आप माइनस इंफिनिटी से आएंगे और आपको कहां पर आना है, माइनस वन के सामने आना है, और फोर्थ में आप माइनस वन से माइनस इंफिनिटी। क्लियर, तो इस तरह से हमारे दो पैराबोलिक यहां पर कंडीशन बन रही है। क्लियर, अब चलते हैं इधर की तरफ। तो इधर के लिए आप एक बार इस चार्ट को देखें,
जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन में आएंगे, ये रहा आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन में जब आप आएंगे, जो पहले फोर्थ क्वाड्रेंट था वो अब फर्स्ट बन चुका है, और फर्स्ट में यहाँ क्या आ रहा, माइनस, और यहां भी माइनस सेकंड में, तो यहां तो आपकी आ जाएंगी माइनस, और यहां पर आ जाएंगी माइनस, और जो माइनस पहले थी वो हो जाएंगी प्लस। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस आप इसी से अब इंक्रीज और डिक्रीज का आइडिया लगा लेंगे। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, ये क्या हो रहा है इंक्रीज, माइनस वन से माइनस इंफिनिटी क्या हो रहा है डिक्रीज, प्लस इंफिनिटी से प्लस वन क्या हो रहा है डिक्रीज, और प्लस वन से प्लस इंफिनिटी क्या हो रहा है इंक्रीज। तो ये रही आपकी टेबल किसकी, ये आपकी हो गई क्लॉकवाइज, क्लियर। अब चलते हैं ग्राफ पर, इधर एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, तो यहां पर है माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, तो ये आपका माइनस इंफिनिटी है और ये आपका हो गया माइनस वन, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस वन से आप चले गए कहां पर, माइनस इंफिनिटी पर वापस। थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस इंफिनिटी से आप आ गए प्लस वन की तरफ, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन चले जाएंगे वन से इंफिनिटी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है इसका, है ना। तो ये इस तरह से, ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो था जिसमें हमने देखा कॉट सेक और कोसेक के ग्राफ। आप इनको एक एक दो दो बार खुद भी बना के देखें, और ग्राफ को बनाने से जो सबसे फायदा होगा वो होगा आपको डोमेन और रेंज का, क्योंकि इनकी डोमेन और रेंज कई बार स्टूडेंट्स रटते हैं, लेकिन अगर आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे तो आपको डोमेन और रेंज रटनी नहीं पड़ेंगी, और ये कई तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बेनिफिशियल भी रहता है। और जो सब्सक्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं ग्राफ से रिलेटेड, जिनमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ती है, वहां भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक कोई यही नहीं है कि एडवांस मैथ में काम आता हो, ये एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक बेस है ना। तो आप इसके जो भी कंप्लीट वीडियो मैंने डाले, इसीलिए मैं इनमें क्या है कि एक लंबी सीरीज बनाई हुई है, आप देख सकते हैं इसमें अपन जो है टोटल 22 वीडियो डालेंगे, जिसका ये वीडियो नंबर 15 आपके सामने आ रहा है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे सम एंड डिफरेंस की, यानी ए प्लस माइनस बी के फॉर्मूलों की, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पहले के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको भी मैं साथ साथ में ही क्लियर कराऊंगा। तो चलिए आप ध्यान से देखें, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो आप देखते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी है वो होती है आपकी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई आपकी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। या अगर मान लो अपने से कोई कहता है कि साइन ऑफ ए माइनस बी की, तो ये आपकी हो जाएगी यहां पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इससे एग्जाम्पल कौन कौन से पूछे जाते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने से किसी ने पूछ लिया कि भाई मुझे चाहिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू, अब इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको अपन क्या करेंगे कि इसको अपन लिखेंगे साइन 60 माइनस 45, है ना। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई आपने 15 को यही क्यों लिखा है, कि मैं तो 15 को ये भी लिख सकता हूं 45 माइनस 30, तो कोई दिक्कत नहीं लिख सकते। अब मान लो कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि 15 को मैं 10 प्लस 5 भी लिख सकता हूं, तो ये अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि 45 और 30 की वैल्यू तो अपने को पता है, लेकिन 10 और 5 की वैल्यू अपने को मालूम नहीं है, है ना। तो चलिए ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, और ये बन गया साइन ए माइनस बी। क्या है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये आपका हो जाएगा साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। साइन 60 की वैल्यू आपकी रूट 3/2 हो गई, कॉस 45 की 1/√2, यहां कॉस 60 की 1/2 एंड साइन 45 की 1/√2। तो ये फाइनली आपका हो जाएगा रूट 3 माइनस 1/√2, ये आपकी वैल्यू किसकी हो गई, साइन 15 की। इसी तरीके से मान लो अगर यही होता कि इसी में अभी अपने को वो दे दे कि साइन 75, तो कोई दिक्कत नहीं है,
इसमें आप जो है 45 प्लस 30 कर देंगे और इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, साइन ए प्लस बी की लग जाएगी, है ना, सिंपल है। चलिए तो ये था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, अब हम देखेंगे कॉस ए प्लस माइनस बी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपके सामने बोर्ड पर दो और आइडेंटिटी है कॉस से रिलेटेड, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी का आपका फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी का आपका हो जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ उल्टा है, प्लस वाले में माइनस है और माइनस वाले में प्लस है, तो इनका यूज कैसे करते हैं चलिए वो देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझसे किसी ने पूछ लिया कि भाई मुझे चाहिए कॉस 105 की वैल्यू, तो चलिए मैं इसको कैसे लिख लेता हूं, मैंने इसको लिख लिया मान लो कॉस 60 प्लस 45। अब अगर मैं इसको ए और इसको बी कंसीडर करूं तो ये कॉस ऑफ ए प्लस बी बन रहा है, तो चलिए उसमें आप रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 साइन 45। ठीक है ना, आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस 60 वन बाई टू, कॉस 45 वन बाई रूट टू, साइन 60 रूट 3 बाई टू एंड साइन 45 वन बाई रूट टू। तो ये आपका इस तरह हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2। क्लियर? तो ये इस तरह आपने देखा, ये आपकी हो गई वैल्यू कॉस 105 की। ठीक है, आगे देखते हैं टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी अपन देख रहे थे, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब इसका यूज क्या क्या हो सकता है उसके मैं आपको दो तीन क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे कि मान लो अपने से किसी ने पूछ लिया कि भाई अपने वैल्यू चाहिए टेन 75 की। ठीक है ना, अब देखते हैं वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो 75 को जैसा कि आप जानते हो अपन लिख सकते हैं 45 प्लस 30। अब अगर मैं इसको ए और इसको बी कंसीडर करूं तो आइडेंटिटी लग रही है टेन ऑफ ए प्लस बी की, तो क्या आइडेंटिटी आपकी, ये हो गई आपकी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आइडेंटिटी हो गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो टेन 45 की वैल्यू क्या आपकी 1, टेन 30 की 1 बाई रूट 3 और यहां भी आपका 1 बाई रूट 3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लोगे तो रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से ये आपका रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। आप चाहें तो इसको कंजुगेट कर सकते हैं, कंजुगेट करेंगे तो आगे चल के आपको आंसर मिल जाएगा इसका 2 प्लस रूट 3, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी में। तो यहां हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ए प्लस बी की वैल्यू दी है पाई बाई 4 और वैल्यू पूछिए 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी। ये आपका जो है 2018 एनडीए का क्वेश्चन है, देखते हैं ये इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो वैल्यू जो पूछी हुई है अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी। अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो इस पूरे की चाहिए, चलिए तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, मैंने दोनों ओर ले लिया टेन। ठीक है ना, दोनों ओर ले लिया ये आपका टेन। अब टेन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी अपने सामने है, ये आपकी हो गई टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और उधर आप देख सकते हैं टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन ए प्लस टेन बी इक्वल हो जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये आप इधर ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी इक्वल 1। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो यहां हम इस पूरे टर्म की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसी के एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देखते हैं अपन, एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। आपको क्या दिया है ए प्लस बी इक्वल पाई बाई 4, आप कोई भी दो एंगल ऐसे ले लो जिनका टोटल पाई बाई 4 होता हो। जैसे मैंने ए इक्वल ले लिया, मान लो ए इक्वल ले लिया जैसे सपोज दैट 15 एंड बी इक्वल ले लिया मान लो मैंने 30। इन दोनों का आप सम देख सकते हैं क्या है पाई बाई 4 है। चलिए इनको मैं इसमें रख देता हूं तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस टेन 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3 और 1 प्लस टेन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3। सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा 3 माइनस रूट 3
और यहां एलसीएम लेके ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, रूट थ्री से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आपका हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन और वो आपका रूट थ्री प्लस वन। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से आप सॉल्व करेंगे तो थ्री माइनस वन क्या आ जाएगा टू। और भी आप कोई सिंपल वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैं 45 और जीरो लेता तो और थोड़ा इजी हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल अल्फा कॉस ए कॉस बी प्लस बीटा साइन ए साइन बी और वैल्यू आपसे पूछी है अल्फा बीटा की। तो आपने देखा कि इससे पहले मैंने आइडेंटिटी कराई थी कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप कोफिशियंट का अगर कंपैरिजन करें तो यहां कॉस ए कॉस बी का कोफिशियंट कौन है अल्फा और यहां कॉस ए कॉस बी का कोफिशियंट क्या है वन, तो अल्फा की वैल्यू तो वन हो गई। और यहां आप देख सकते हैं साइन ए साइन बी का कोफिशियंट क्या है बीटा और यहां साइन ए साइन बी का कोफिशियंट माइनस वन, तो ये आपकी हो गई अल्फा एंड बीटा। तो बिल्कुल सिंपल वैल्यू थी ये, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोर्ड पर है, टेन अल्फा की वैल्यू यहां दी है एम अपॉन एम प्लस वन और टेन बीटा की वैल्यू दी है वन अपॉन टू एम प्लस वन और वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है ना, वैसे तो आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या हो सकती है, आप कोई भी जैसे एम की वैल्यू मान लें या अब सिंपलीफाई अगर मैं करके देखूं तो आप एक काम करेंगे, पहले आप अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालो, आप निकालो टेन अल्फा प्लस बीटा। तो आइडेंटिटी ऊपर है तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी इसकी, ये आपकी हो जाएगी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या है इसकी, एम अपॉन एम प्लस वन प्लस वन अपॉन टू एम प्लस वन। नीचे वैल्यू हो जाएगी एम अपॉन एम प्लस वन इंटू वन अपॉन टू एम प्लस वन। तो यहां आप देख सकते हैं कि एलसीएम में ये कैंसिल आउट हो रहा है और यह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m का हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर प्लस m और ये क्रॉस करके m प्लस वन, यहां भी ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा तो ये आपका हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m और ये आपका 2m प्लस वन और माइनस m का इसमें करेंगे ये m हो जाएगा। तो अब इसको मैं थोड़ा और कैलकुलेट कर लेता हूं, ये आपकी वैल्यू हो गई यहां पर 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और ये वैल्यू आपकी हो गई यहां पर ये m कैंसिल आउट 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और ये भी कैंसिल आउट हो गए, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो ये भी एक एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पर चलेंगे, कॉट ऑफ a प्लस बी एंड कॉट ऑफ a माइनस बी। तो अब हमारे सामने दो नई आइडेंटिटी है कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी की। तो देखते हैं ये आइडेंटिटी क्या है। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी का जो आपका फॉर्मूला होता है ये हो जाता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और इसी पैटर्न पे अगर हम कॉट ए माइनस बी का देखें तो ये आपका हो जाता है कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो किसी ने अपने से कहा कि भाई मुझे चाहिए कॉट 15 डिग्री की वैल्यू, तो अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, भाई 15 को मैं 45 माइनस 30 लिख सकता हूं या 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी बन गई है, सॉरी कॉट है, ये आपका बन गया कॉट ऑफ ए माइनस बी। तो वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा कॉट 45 इंटू कॉट 30 प्लस 1 अपॉन कॉट 30 माइनस कॉट 45। वैल्यू रखेंगे तो कॉट 30 की वैल्यू क्या है रूट थ्री और यहां कॉट 30 की रूट थ्री। वैसे तो ये भी अपना आंसर है लेकिन आप चाहे तो इसको कंजुगेट कर सकते हैं, तो ये अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर रूट थ्री प्लस वन का क्या हो रहा है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा थ्री प्लस वन प्लस टू रूट थ्री और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो थ्री माइनस वन हो जाएगा तो ये आपका हो गया फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन टू, टू से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा टू प्लस टू थ्री। इस चैनल पर नए हैं तो इससे रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जैसे कि एक 10th 11th 12th सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड के लिए है, एक मैथमेटिकल फैक्ट एंड ट्रिक की है और एक आरडी शर्मा 9th क्लास की भी प्लेलिस्ट है,
उनसे रिलेटेड वीडियोस हैं वो जरूर देखें, और ट्रिग्नोमेट्री के कम जो 15 वीडियो जिससे पहले आए हैं वो तो जरूर ही देख लें, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री के ये और इससे आगे के वीडियो भी आपको समझ में आए। तो चलते हैं, इसमें आज हम बात करेंगे जैसा बोर्ड पर हेडिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले क्या होते हैं, इनको कहते हैं रूपांतरण सूत्र। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इससे रिलेटेड फॉर्मूले बताए थे। अब उससे और फॉर्मूले क्या क्या बन सकते हैं, जैसे उनको ऐड करके, सब्सट्रैक्ट करके, है ना, तो देखते हैं अपन इसमें। तो जैसे कि अपने मान लो फॉर्मूला ले लिया, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, ये मैंने इक्वेशन नंबर वन ले लिया। और ऐसे ही आपने साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला लिया था कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये दो फॉर्मूले अपन ने लिए थे। अब इनसे दो नए फॉर्मूले अपने कौन से बन सकते हैं वो देखते हैं। यहां अगर मैं इनको कर दूं टू ऐड, तो यहां ऐड करने से क्या होगा, कॉस ए साइन बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो यहां पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी, और साइन ए कॉस बी क्या हो गया आपका टू साइन ए कॉस बी, और इधर ऐड होकर फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बन गया रेडी, है ना, ये। चलिए इसी से नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो अभी हमने इन दोनों आइडेंटिटी को ऐड करके एक फॉर्मूला बनाया था। अगर मान लो मैं यहां पर इन दोनों आईडी को ये माइनस कर दूं, तो माइनस करने से क्या होगा, आपके साइन चेंज हो जाएंगे और अब की बार आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, ये सॉरी प्लस है। तो यहां आपका कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू कॉस ए साइन बी, और इधर आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये आपके दो नए फॉर्मूले और आ गए। तो ये दो फॉर्मूले अपन ने बनाए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी से। अपन देखते हैं कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी हो। तो अब आपके सामने दो नई आइडेंटिटी हैं जिनके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। तो इससे देखते हैं नई आइडेंटिटी क्या बन सकती है। जैसे कि यहां मैं अगर इनको ऐड कर दूं, तो ऐड करने से आपको पता है कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा आपका टू कॉस ए कॉस बी, और इधर आपका एड ओके हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना। तो ये एक्चुअल में जो फॉर्मूले हैं वो किसके काम आएंगे, जब आप प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज करेंगे। तो ये प्रोडक्ट हो गया इधर एलएचएस में, आरएचएस में आपका सम एंड डिफरेंस हो गया। अगर मान लो मैं यहां एड करने की बजाय इनको सब्सट्रैक्ट करूं, तो क्या होगा कि ये यहां माइनस आएगी और ये आपका माइनस आएगा, है ना, यहां पर साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस एंड माइनस। तो अब यहां देखते हैं, अब कैंसिल आउट आपका ये टर्म होगा, तो यहां आपकी ये साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी क्या हो गया आपका माइनस के टू साइन ए साइन बी हो गया, और यहां आपका हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। लेकिन अगर आप इस माइनस को हटाना चाहें तो आप इसको चेंज कर देंगे, तो ये आपका इस तरह हो जाएगा टू साइन ए साइन बी इक्वल कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इस तरह से यहां हमने देखा कि साइन और कॉस की जो आइडेंटिटी है उनसे चार नए फॉर्मूले अपने और बने। अब अपन इससे रिलेटेड और देखते हैं फॉर्मूले क्या बन सकते हैं। तो यहां हमारे सामने चार आइडेंटिटी हैं जिनको मैं आपको एक बार रिपीट करा दे रहा हूं। साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी है टू साइन सी प्लस डी वाई टू कॉस सी माइनस डी वाई टू। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी। कई बार क्या है कि अगर आप इस माइनस को हटा दे तो यहां डी माइनस सी आ जाता है। अब ये आइडेंटिटी निकाली कहां से अपन ने, जो अपनी अभी आइडेंटिटी थी, मैं इसका पहले का प्रूफ आपको बता दे रहा हूं एक बार। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी, टू साइन ए कॉस बी इक्वल आपकी आइडेंटिटी थी कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, यही थी ना। अब इसमें आप देखना कि इससे अपन ये आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे इसमें
कि ए की वैल्यू मैं मान ले रहा हूं, मान लो सी प्लस डी वाई टू, और बी की वैल्यू ले ले रहा हूं सी माइनस डी वाई टू। यहां सी का मतलब है कंपोजिशन और डी का मतलब डीकंपोजिशन से है, ठीक है। कंपोजिशन होता है ऐड करना और डी यानी उसको डीकंपोजिट यानी तोड़ना उसको। कैसे, चलिए वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, टू साइन सी प्लस डी वाई टू कॉस सी माइनस डी वाई टू। अब यहां आप ए प्लस बी इनको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनको ऐड करेंगे तो आपका डी कैंसिल हो जाएगा, सी और सी टू सी, तो टू सी में टू का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका सी आएगा, और यहां आपको करना है माइनस, ए माइनस बी करेंगे तो साइन चेंज होंगे तो ये सी से सी कैंसिल आउट होके आपका डी प्लस डी का होगा टू डी वाई टू यानी डी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई सी भी आइडेंटिटी में अगर आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये पुट करते हैं तो ये आपको बाकी फॉर्मूले मिल जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं चार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इन्हीं आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 15 प्लस कोस 105 डिग्री है ना। चलिए तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप जानते हो कि कोस 105 है, अब मैं इसको लिख सकता हूं कोस 90 प्लस 15। अब अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे कि कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो चलिए ये आपका हो गया साइन 15 और यह आपका हो गया माइनस साइन 15 और ये कैंसिल आउट होके जीरो। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन देखते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10। अब ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, जनरली स्टूडेंट सोचते हैं यार ये वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं, 50, 70 और 10। तो अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वही इसमें काम आएगी, तो इन दोनों में मैं लगा दे रहा हूं साइन सी प्लस साइन डी। तो अभी आपने देखा साइन सी प्लस साइन डी क्या था, ये था आपका टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, और ये माइनस साइन 70 आपका एज इट इज चल रहा है ना। चलिए अब इसको आगे देखते हैं, टू साइन 50 प्लस 10 क्या हो गया 60, 60 का आप क्या होगा 30 कॉस 20 माइनस साइन 70। चलिए आगे देखेंगे, साइन 30 को अपन लिख सकते हैं 1/2 और ये आपका कॉस 20 चल रहा है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 70 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 20, टू कैंसिल, ये आपका होगा कॉस 20 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका होता है कॉस थीटा, और कॉस 20 कैंसिल आउट होके जीरो। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था जिसमें अपन ने यही सी प्लस डी और सी माइनस डी की आइडेंटिटी लगाई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, कॉस 12 प्लस कॉस 84 कॉस 156 प्लस कॉस 132। ठीक, देखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस क्या कंफ्यूजिंग होते हैं, स्टूडेंट को पता नहीं चलता, क्योंकि ये क्या है कि कोई वैल्यू डायरेक्ट तो याद होती नहीं अपने को, न ये कोई 90 270 इनके उसमें आ रही है, तो अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए मैं यहां दो पेयर बना लेता हूं, जैसे मैंने कॉस 132 का पेयर बना लिया कॉस 12 के साथ, और मैंने बाद में कॉस 156 का पेयर बना लिया मैंने 84 के साथ, ठीक है ना। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का आपको फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला था, टू कॉस सी प्लस डी वाई टू कॉस सी माइनस डी वाई टू, तो ये सी मैं ले रहा हूं ये डी, तो फॉर्मूला क्या है आपका, टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। यहां भी वही कॉस सी प्लस कॉस डी चलेगा आपका, टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, ठीक है ना। चलिए तो अब आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, तो 132 और 12 का होगा 144 का हाफ क्या हुआ, यह हो गया आपका 72, और यहां आपका 132 में से 120 का हाफ 60। आगे चलते हैं, ये दोनों आपके ऐड होके क्या हो जाएंगे, ये आपका ऐड होके हो जा रहा है यहां पर, ये 6 प्लस 4 आपका 10 एंड ये 240, और 240 का हाफ क्या हो जाएगा 120, और यह माइनस करेंगे तो ये माइनस होके आपका हो रहा है 72 का हाफ यानी 36, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू
अब जैसा कि आपको पता है कि cos 72 है, याद देखें cos 72 है, तो क्या मैं इसको 90 माइनस 18 लिख सकता हूं? तो यह cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin 18, और sin 18 की वैल्यू आप जानते हो रूट फाइव माइनस 1/4 होती है, तो यह आपकी हो गई रूट फाइव माइनस 1/4, और cos 60 ऑब्वियस 1/2 है। यहां आपका 2 इंटू कॉस 120 होता है माइनस का 1/2, ठीक, और cos 36 की वैल्यू होती है रूट फाइव प्लस 1/4। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका 2 कैंसिल, यहां भी 2 कैंसिल, 4 आपका एलसीएम में आ गया, ये है रूट फाइव माइनस 1 माइनस रूट फाइव, माइनस का प्लस में करोगे माइनस, ये कैंसिल, माइनस 1 एंड माइनस 1 क्या होगा माइनस 2/4, कैंसिल आउट करेंगे ये आपका हो गया माइनस 1/2, ठीक। तो एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी ये, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम की है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, इसमें क्या है कि साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगेगी। पिछले क्वेश्चन में अपन ने दो सेट बनाए थे और दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी को यूज किया था, यहां भी मैं दो सेट बनाऊंगा लेकिन इस बार हम यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी। तो कैसे सेट बनाने हैं? यहां मैंने 47 के साथ तो सेट बना लिया मान लो 11 का, और मैंने यहां पर साइन 61 के साथ सेट बना लिया 25 का, क्लियर। चलिए देख लेते हैं हम इसको। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता है, ये आपका 2 कॉस सी प्लस डी वाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी वाई 2, यहां भी वही है 2 कॉस सी प्लस डी वाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी वाई 2। चलिए आगे, 2 कॉस 47 और 11 हुआ आपका 58, हाफ हो गया 29, और यहां 47 में से 11 जाएगा तो 36 का हाफ 18। यहां आप देख सकते हैं 61 एंड 25 ये आपका हो रहा है यहां पर 86, और 86 का हाफ हुआ 43। तो यहां पर हमने देखा कि ये 61 माइनस 25 का हुआ 36 का हाफ, ये आपका हो गया 18। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां आप देख रहे हो कि कॉमन क्या आ रहा है 2 साइन 18, अब बच क्या रहा है आपका, ये बच रहा है कॉस 45 प्लस कॉस 29। चलिए अब साइन 18 की वैल्यू आप जानते हो रूट फाइव माइनस 1/4 होती है, ये आपका फिर से आइडेंटिटी लगेगी कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या थी कॉस सी प्लस कॉस डी? 2 कॉस सी प्लस डी वाई 2, तो 43 और 29 क्या हुआ 72, और इसका हाफ हुआ 36 इंटू कॉस सी माइनस डी वाई 2, तो 43 माइनस 29 14 का हाफ हो गया 7 आपका, ठीक है ना। चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 2 इंटू 45 ये सॉरी रूट फाइव माइनस 1/4, और कॉस 36 की वैल्यू क्या होती है रूट फाइव प्लस 1/4 इंटू कॉस 7, ठीक है। ये आपका 2 2 4 कैंसिल, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू में आपका कॉस 7 चल रहा है, 5 माइनस 1 4/4 कैंसिल, और ये रहा आपका आंसर। तो ये आपका जो है आईआईटी मेंस का क्वेश्चन था, और इसी तरह की और भी जो भी प्रॉब्लम्स अब तक के वीडियो में आई हो उन्हें आप पूछते रहें, और आगे के ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल नॉलेज के लिए आप चैनल पर बने रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स।